व्हाट इज अप एवरीवन, मैं स्वप्निल जाधव और आपका स्वागत है और एक रोमांचक वीडियो में। और आज के वीडियो में बात करेंगे मोटो G30 स्मार्टफोन के बारे में जो कि कैप्री सीरीज में आने वाला है। और ये स्मार्टफोन थाईलैंड के NBTC वेबसाइट के ऊपर सर्टिफाई हो चुका है। दैट्स मीन ये स्मार्टफोन जल्दी हमको इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलने वाला है। क्या होगा इस फोन का प्राइस, किस स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, आएगा तो आएगा कब तक आएगा, ऐसे सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो देखो पूरा। उसके साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो और पूरे टेक इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना चाहते हो तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करो। तो स्टार्ट करते डिजाइन से। तो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का डिजाइन होगा। रियर साइड में ट्रिपर कैमरा सेटअप होगा, उसके साथ ही साथ फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। अगर बात करते हैं डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले टाइप के बारे में, तो यहाँ पे हमको 6.5 इंच का एक IPS LCD पैनल वाला ही डिस्प्ले मिलेगा जो कि 90Hz वाला हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल होगा। उसके साथ साथ सेंटर में हमको एक पंचुअल कटआउट दिया जाएगा, वहाँ पे हमारा सेल्फी कैमरा होगा। अगर बात की जाए इस फोन की रैम वेरियंट के बारे में, तो ये स्मार्टफोन हमको 2 रैम वेरियंट में देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट रैम वेरियंट होगा 4GB विद 64GB इंटरनल स्टोरेज, और हायर वेरियंट होगा जहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा 6GB विद 128GB इंटरनल स्टोरेज, और इसके स्टोरेज को आप एक्सपांड भी कर पाओगे मेमोरी कार्ड के थ्रू 256GB तक। अगर बात करते हैं मेन चीज के बारे में यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में यानी कि चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पे हमको क्वालकॉम की तरफ से प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा जो कि होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, जिसका अंतिम स्कोर आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। हम ऐसा भी नहीं कहते कि इस फोन का परफॉर्मेंस हमको काफी अल्टीमेटली मिलता है, ऐसा नहीं है। जो भी बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन आते हैं उनमें ए प्रोसेसर यूज किया जाता है। अगर बात करते हैं इस फोन की रियर साइड कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पे हमको रियर साइड में ट्रिपर कैमरा सेटअप मिलेगा यानी कि 3 कैमरास होंगे, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल का, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। और सेकेंडरी सेंसर एक वाइड एंगल लेंस होगा 16 मेगापिक्सल का, और थर्ड सेंसर होगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ या फिर माइक्रो लेंस, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे हमको सेल्फी के लिए एक पंचुअल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा जो कि इस फोन के सेंटर में होगा, जिसका सेंसर होगा 16 मेगापिक्सल का, जिसको आप यूज करके 1080p रिजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। आपको ऐसी कोई भी तकलीफ आने वाली है नहीं। अगर बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको फेस अनलॉक सिस्टम मिलेगा, उसके साथ ही आप फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर यानी कि रियर माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा इस डिवाइस में। और यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी फालतू ऐड या फिर फालतू ऐप देखने के लिए नहीं मिलने वाले। अब बात आती है बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगी 4500mAh की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी जो कि आएगी 18W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और इसका फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक मिलेगा, उसके साथ साथ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आप 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा के यूज कर पाओगे। अब बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में, जो भी इसका बेस वेरिएंट है जहाँ पे हमको 4GB विद 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरिएंट हमको 10,000 से 12,000 के प्राइसिंग तक देखने के लिए मिल सकता है। और जो इसका हायर वेरिएंट है जहाँ पे हमको 6GB विद 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरिएंट हमको 14,000 से 15,000 के प्राइसिंग तक देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे हमको 12,000 के प्राइसिंग में 48 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, उसके साथ साथ 90Hz वाला हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल मिलने वाला है इस डिवाइस में। तो अगर आप बजट सेगमेंट में कोई 90Hz वाला हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल होने वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। यहाँ पे आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलती। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में, तो लीक्स और रूमर्स के हिसाब से ये स्मार्टफोन हमको फरवरी के लास्ट क्वार्टर तक इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप कोई 12,000 के प्राइस में अच्छा तगड़ा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, तो ये स्मार्टफोन आपके बेहतरीन चॉइस होने वाला है। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो इंस्टाग्राम पे जॉब जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जी भर।